ड्रामा है, पूरी दुनिया में इस तरह के ड्रामे बनते हैं और हम देखते भी हैं बड़े शौक से, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो जिम्मेदारी कंधों एक अदाकार के कंधों पे डाल देते हैं। तो मैं लेकिन वो दिखाना चाहती हूँ कि औरत मजबूत है, आदमी भी अच्छे होते हैं, औरतें भी अच्छी होती हैं, उनको अच्छी दिखाएं, उसमें रह के अच्छी कहानियाँ बनाएं। अब वो रोने वाली औरत जिसकी चार शादियाँ हो गई हैं मियाँ की, और वो तलाक दे रहा है, मार भी रहा है, लेकिन वो उसके घर में रहना चाहती है, इस चीज़ से मैं रिलेट नहीं कर पाती, और जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही वो मैं दिखा नहीं सकती, राइट। मतलब मैं लोगों को समझा ही नहीं सकती वो बात जो जो खुद मुझे समझ नहीं आ रही। तो वही आप रोल्स भी पे वही चुन रही हैं जो क्लोजर टू यू, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें एक ऐसी बात भी हो कि अगर वो नेगेटिव है, अगर अनम ऐसी है, बेवकूफ़ औरत है, तो उसके साथ फिर वो चीज़ें होती भी हैं, फिर उसका एक अंजाम भी होता है कि उसके साथ ये हुआ है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए वो किरदार चूज़ करती हूँ जो वाकई जिससे मैं भी रिलेट कर सकूँ। सारा मुश्किल है आजकल काम करना आपके लिए या आसान होता जा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो, बहुत ही अच्छी एक्टर हो, अवार्ड विनिंग, इज इट बिकमिंग ईजियर या मुश्किल? वो आपकी बेटी भी है छोटी और पूरे पूरे इतने लंबे सेट्स पे काम करना और सीन्स पूरे पूरे दिन के शूट चल रहे होते हैं, तो डायनामिक क्या है आजकल का काम का? मुश्किल अगर आप दूसरे तरीके से पूछे तो मुश्किल मेरे लिए तब आ जाता है, अगेन, जब कोई ऐसी बात दिखाना चाहते हैं जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही, वो मुश्किल मेरे लिए वो मुश्किल है मेरे लिए। कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि बनता नहीं है मारना, लेकिन आप मारें, बिकॉज ये ड्रामा है, ड्रामा मेरी नज़र में मारना पीटना रोना नहीं होता। तो कई दफ़ा अमीन भाई से मैं, बल्कि अमीन भाई तो खैर बहुत ही अच्छे हैं, वो खुद ही इस चीज़ को बड़ा सोचते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर से मेरी इस बात पे बहस हो जाती है कि मैं नहीं मारूंगी ना मैं पिटूंगी, बिकॉज अगर वो बनता है सिचुएशन तो मुझे मारें, आप मुझे बहुत मारें, लेकिन अगर नहीं बनता तो आप मुझे नहीं मारें। जैसे आपको याद है वो सीन था लापता में, गहर मुझे थप्पड़ लगाते हैं और फिर उन्हें मैं भी लगाती हूँ, तो वो सीन ऐसा नहीं था। अरे लापता तो हम भूल ही गए बीच में, वो भी कितना डिफरेंट था। हाँ, अरे वो तो हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया, वो भी इतना डिफरेंट ड्रामा था जी, उसमें भी बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था और कमजोर वो भी नहीं थी। नहीं तो वो सीन आपको याद है ना कि वो मुझे मारते हैं कि तुमने, तुम्हारा जो भी उसके साथ अफेयर था, तो वो हमने वहाँ साइड पे बैठ के लड़ाई की कि वो मारेगी, तो मैंने कहा मैं भी मारूंगी, क्योंकि वो लड़की है ही नहीं पिटने वाली, या तो वो हो पिटने बिल्कुल, वाली बिल्कुल। तो फिर वो जो थप्पड़ मैंने वापस लगाया था वो हमने खुद ऐड किया था सीन। तो इन जगह मैं फंस जाती हूँ, मुश्किल हो जाती है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करिए तो मुश्किल है, जाहिर है, बिकॉज मुझे आलियाना इतना याद आती है, पूरा दिन मैं कॉल करती रहती हूँ, ठीक है ठीक है, लेकिन फलक बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसका, और वो मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं काम करूं और अपनी मर्जी से करूं और मैं बगैर किसी सोच के करूं कि मुझे किसी प्रेशर के या गिल्टी फील। आपके साथ की बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने काम रोक दिया जी शादी के बाद, बच्चों के बाद तो बिल्कुल ही, मगर आप पे ऐसी कोई? क्योंकि फलक ने मुझे बोला, मैंने एक पॉइंट आया, मैंने सोचा कि फलक थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ 3-4 साल, क्योंकि आलियाना को संभालेंगे और भी बच्चे चाहिए तो फलक ने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं, तुम्हें लोग देखना चाहते हैं, और उस सबसे बढ़ के मैं इस काम से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा तुम काम करो, मैं संभालूंगा आलियाना को, जब मैं काम करूँगा तुम संभाल लेना। तो अब ये होता है कि जब उनके टूर शुरू होता है तो फिर भी मेरी बहनें संभालती हैं। अच्छा ना, आपके पास वो है? मेरे पास और आलियाना, आयशा है, नूर है, मेरा भाई है, तो वो लोग संभाल लेते हैं, और फिर जब मैं बिजी होती हूँ तो फलक पूरा दिन संभालते हैं। मुझे इतनी अच्छी बात है, मुझे कभी नहीं लगा सारा आपकी वीडियोस देख के कि फेक हैं, मुझे हमेशा देख के ऐसा लगा कि यार ये इतना प्यारा रिलेशन है इन दोनों का, और आपकी स्माइल इतनी जेन्युइन होती है, और फलक का बेगम करके आ गया ना, इतना क्यूट होता है सारा कि उसमें कोई कभी, एंड फिर मैंने आपको इकट्ठे इंटरव्यू भी किया हुआ दोनों को, कभी नहीं ऐसा लगा कि फेक है। तो इतनी खुशी होती है देख के कि वाकई यू नो इतने कॉन्फिडेंट एक कपल है आजकल, इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए देख के उनको। और आमना, शादी इतनी ही खूबसूरत है, अगर हम अपनी बेटियों के दिमाग में बात डालने लग जाए ना कि शादी खूबसूरत है, तो उन्हें शायद लगने भी लगे। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, ओहो शादी हो जाएगी, अब तो ससुराल का प्रेशर, मियाँ को कोई अब वो रहेगा, क्या बोलते हैं,
कि मियाँ के पास कोई आज़ादी नहीं रहेगी उसको भी यू नो, तो ये सब आप दिमाग में बचपन से हम ये सुनते हुए आते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा है एक्चुअली, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा नहीं होता. अभी आप लोग नॉर्वे गए थे, वहाँ पे आप लोगों ने 14th अगस्त का पूरा सेलिब्रेशन किया और कोई प्राइज भी मिला आपको, अवार्ड भी वहाँ मिला था. प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्वे से बड़ी बात है. तो दोनों को मिला, एक को मिला, वो क्या था? उस शो में फलक की परफॉर्मेंस थी और मेरे लिए अवार्ड था. जबरदस्त जबरदस्त. तो बेबी को लेके फलक इज हैंड्स ऑन जी बहुत ज़्यादा जी. एडवाइस क्या है आपकी वर्किंग मदर्स के लिए या यंग एक्ट्रेसेस के लिए जो सोचती हैं कि नहीं हमने शादी नहीं करनी या बेबीज हो जाएंगे तो प्रेशर होगा? देखें मैं एक बात बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, शायद इतना काम मैंने कभी नहीं किया जितना शादी के बाद किया. और आलियाना के बाद तो बहुत ही क्या है. इवन लापता में मैं 7 मंथ तक प्रेग्नेंट थी जब तक हमने शूट किया. बिल्कुल. प्रेगनेंसी में बैडमिंटन भी खिलाया और वो चीट किया, थोड़े डायरेक्टर को मसाइल हुए लेकिन मैंने काम किया. तो मुझे लगता है कि काम किसी भी, चाहे कोई भी काम, कोई भी शोभा, उसके लिए अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी को और शादी को इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना दें कि शादी कर ली तो ये कैसे करेंगे और बच्चा हो गया तो फिर. और मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा इस चीज़ को बना दिया है. लोग कहते हैं वैल्यू कम हो जाती है एक्ट्रेस की आजकल, अगर शादी हो जाए बच्चा हो जाए तो बिल्कुल ही. कुछ लोग छुपाते भी हैं. जी जी. लेकिन मैंने तो आपको बताया आखिरी महीने तक सब दिखाया था. बिल्कुल. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. अब ज़माना बहुत बदल गया. पहले शायद ये सोच रखते हों कि हम मोटे हो जाएंगे. मोटी मैं भी हुई. मैंने महा का कैरेक्टर किया हम तुम में. अब वो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स थे मेरे पास चॉइस थी. अब मैं चाहती तो मैं दूसरा करती लेकिन मैं उससे अगेन वो रिलेट नहीं कर पाई थी कि इतनी मोटी लड़की वो कैसे छोटी सी बच्ची बन के आ सकती है कि मैं 23 ईयर ओल्ड. सर मोटा किसको कह रहे हो? अपने आप को कह रहे हो? खुदा का उसमें मैं नॉट एट ऑल बिकॉज मैं 90 kg मेरा उस वक्त वजन था. हम तुम में हम तुम लग नहीं रहा था वैसे. वो बिकॉज कपड़े और स्टाइलिंग ऐसी थी. तो मैं चाहती थी, अब वो कैरेक्टर ये था कि वो है कॉन्शियस रहती है हर वक्त मुझे पतला होना है और मुझे, तो मैंने वही किरदार उसका प्ले किया. तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके काम में. लोग आपको, लोगों ने कहा कि थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस और बॉडी शेमिंग होगी ड्रामे में, आपको लगा ऐसा कि क्यों बता रहे हैं कि बहुत, या वो नेचुरल फ्लो में जा रहा था? नहीं, वो ना कैरेक्टर ही ऐसा था. बिकॉज होता है, आम जिंदगी में भी होता है. कुछ लोग हमें कहते हैं, अभी मुझे भी लोग कहते हैं यहाँ तो मोटी हो गई हैं और ये वो, मगर आप नहीं हुई. मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी कि यू लॉस्ट ऑल द बेबी वेट. अब हाँ, इसके लिए मुझे हमीन भाई से भी बात हुई थी कि वजन कम करना है. अच्छा. क्योंकि छोटी लड़की दिखानी है. अब वेट मेरा ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं लग पा रही थी किसी भी हाल में. बिल्कुल. लग रहा था कि मैं हूँ एक बच्चे की माँ. तो मैंने कम किया है इसमें. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता काम का. मोटे लोग हों पतले लोग हों, आप अच्छा काम करें लोग आपको देखते हैं, आप अच्छे होने चाहिए बस. अच्छी तो आप बहुत है वैसे, इसमें तो कोई शक नहीं है. सारा, अगर पिछले 5 प्रोजेक्ट्स को अगर आप रेट करें, अपना फेवरेट सबसे कौन सा था, स्टार्टिंग फ्रॉम दीवार शब और फिर आपका था अपना सबात हो गया, रक्स बिस्मिल हो गया, लापता हो गया जिसको हम भूल रहे थे बार बार, एंड देन हम तुम. देखें दो हैं मेरे. नंबर 1 सबात है. अच्छा. क्योंकि वो जो लड़की थी ना मुझे बहुत पसंद थी. तमाचा उसने मारा था. होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी हटा दें लेकिन बाकी उसको रख लें. ठीक है. कि वो एक मजबूत औरत थी, वो अपना काम करती थी, जिसको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. बस जो थोड़ा सा उसका बुरा वाला पार्ट था वो मैं उसको हटाना चाहती हूँ. मतलब ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं और उनको ग्लोरीफाई नहीं किया, ये नहीं कहा गया था. एग्जैक्टली. अच्छी है. बिल्कुल. उसको फिर रियलाइज होता भी है कि मैंने ये अपने भाई के साथ और दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया. मिराल मेरी फेवरेट थी इन्हीं वजहों की वजह से कि मुझे ना मजबूत औरतें अच्छी लगती हैं. मेरी माँ बहुत मजबूत औरत थी, काम करती थी सब, मेरी बहनें, मैं. और उसके बाद मुझे पसंद थी जोहरा. जोहरा बहुत ही, मिराल से बहुत ही मुख्तलिफ थी. एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार था, उसको करने में बहुत मज़ा आया. शुरू में मुझे लगता था कि मैं, मुझे वो पसंद नहीं थी, वो ड्रामा पसंद नहीं था मुझे. जब मैंने वो पढ़ा था तो मुझे पसंद आया, लेकिन जब वो हम सेट पे गए तो मुझे नहीं अच्छा लगा. मैंने कहा वजाहत मुझे नहीं करना है. रियली? हाँ. मैंने कहा मैं, मुझे लोग बहुत उस तरीके से देखते हैं और मैं ना इन चीज़ों में थोड़ा फंस जाती हूँ कि मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहती. मुझे हेट लेना नहीं आता. मैं कभी कभी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती. तो मैंने कहा ये बहुत हेट मिलेगा मुझे कि ये तो डांस कर रही है. अच्छा. और मैं तो कहती हूँ कि मैं डांस नहीं करती कभी. मैंने तो इंटरव्यूज़ में कहा है, लोग कहेंगे कि ये कौन सी बातें कर रही है, अभी तो कह रही थी मैं नहीं, कुछ नहीं करती.
तो फिर लेकिन वजाहत ने इतनी खूबसूरती से उसको शूट किया कि उसमें कुछ भी ऐसा वल्गर नहीं लगा, जबकि कुछ ऐसे लिखे हुए थे जो वल्गर हो सकता था दिखने में, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं किया. तो उसको और इमरान अशरफ की वजह से भी मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत अच्छे हैं उनके साथ काम करके. ये हम सेट पे हैं तो ये तो होता रहेगा. ये होता रहेगा. So, ये दो हो गए. ये दोनों आपके फेवरेट. हाँ. इफ यू चूज. हाँ. और बबाल. और हाँ, हम तुम. नहीं, हम तुम नहीं. हम तुम चैलेंजिंग था क्योंकि कॉमेडी थी. हम तुम चैलेंजिंग था. मैं ना बहुत आहिस्ता बात करती हूँ. हाँ. और हम तुम में जो डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि हम जोर से बात करें. हाँ. अब मेरा जोर से ना पेट से आवाज ही निकल.